हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। मैं साउथ सेंट्रल रेलवे से आई नई अप्रेंटिस की यहाँ जानकारी देने जा। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में टाइप करना है https://indianrailway.gov। यहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्यता 10th+ ITI। साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आप यहां गूगल में साउथ सेंट्रल रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट लिख करके सर्च किया हूं, तो ये जो ऊपर वाला आ रहा है यहां पे मैं क्लिक किया और मैं इसको ऊपर ड्रैग कर रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं एक्ट अप्रेंटिस 2019 ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन दे रहा है। यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्रेंटिस 2019 ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक किया और मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड डिटेल्स नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ और उसी को मैं बताने जा रहा हूँ और ये थोड़ा समय लेगा। तब तक के लिए मैं कुछ यहाँ पर देखिए मैं बता दूं कि लास्ट डेट ये शुरू हो जा रहा है 9/11/2019 से और लास्ट डेट दे रहा है 8/12/2019 23 आवर्स तक। 9/11/2019 से 11 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा और हो चुका है। मैं वीडियो जब बना रहा हूँ ये फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई होने आया। और मैं एक बार फिर से बता दूं 9/11/2019 से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है 8/12/2019 तक ये इसकी लास्ट डेट है। और ये नेम ऑफ द यूनिट है कहाँ कहाँ पे कैसा आपको काम करना है, अलग अलग जगहों का नाम लिखा गया है। आप गूगल से सीधे डाउनलोड कर सकते, गूगल से जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं ITI ट्रेड की बात कर लूँ तो AC मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर मशीनिस्ट, MMB, MM, TM, पेंटर और वेल्डर सबका SC ST OBC EWS UR और टोटल सीटें यहाँ पे दी गई हैं, जो आप यहाँ पे देख करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट डाउन इन दी नोटिफिकेशन और प्रोविजनल एंड द सेम आर जो भी यहाँ पर दिया है आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे मैं बात कर लूँ इसकी क्वालिफिकेशन की, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एजिबिलिटी कंडीशन, एज होना चाहिए 15 से 24 ईयर के बीच 8/12/2019 तक। आया कर SC ST OBC के लिए 5 साल का, SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है और PWD जो आ रहे हैं 10 साल। अपर एज रिलैक्सेस लिमिट इज रिलैक्सेड बाय 10 ईयर। आगे बढ़ते हैं इसके लिए यहाँ पे क्या कहें, कंडीशन शुड बी बॉर्न बिटवीन इतना के बीच उनका जन्म होना चाहिए, वहीं लोग फॉर्म भर सकते हैं। UR की बात कर लें तो 9/12/1995 एंड 8/12/2004 के बीच होना चाहिए। ऐसे करके SC ST OBC सबका दिया हुआ है, जो आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन NCVT और SCVT दोनों विद्यार्थी भर सकते हैं, ठीक। इसके लिए अलग अलग ट्रेड हैं AC मैकेनिक और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है 10th में 50% से एवव मार्क्स हो। अन्य जो ट्रेड है उसमें भी सेम प्रोसेस है और उसमें भी 50% और 50% से एवव मार्क्स रखे गए हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये पे करना है और आप चाहें तो SBI, UPI या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड नीचे दिया गया है, जो आप आसानी से देख सकते हैं और इसे पढ़ो समझ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले जो बात थी वो थी मोड ऑफ सिलेक्शन की।
सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर्ड टॉकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन बोथ 10th क्लास या मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। एवरेज मार्क्स बोलने का मतलब कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो दोनों 10th क्लास और आईटीआई के दोनों मार्क्स को जोड़कर दो से भाग कर एवरेज मार्क्स करके आपका परसेंटेज तैयार किया जाएगा या मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड। मतलब अगर किसी हालात में दो विद्यार्थियों का परसेंटेज या मार्क्स सेम हो जाता है उस हालात में जिनका एज अधिक होगा उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्स। मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है तो जो कैंडिडेट पहले 10वीं की परीक्षा पास किए हों उनको प्राथमिकता दी जाएगी। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, मतलब इसमें कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा और ना ही कोई वाइवा होगी। ट्रेनिंग एंड स्टाइफन, ट्रेनिंग विल बी अरेंज इन बता दूं सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा ये ट्रेनिंग होगा और स्टाइफन जो गवर्नमेंट तय करेगी उसके हिसाब से दिया जाएगा। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो बता दूं http://scr.indianrailway.gov.in पे जा कर के आप इसका फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं।